खत्म हो जाए। और मैं एक डिज़ाइन ट्रेनर हूँ RBM CAD में। सो आज से हम अपने सॉलिडवर्क्स की वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास दो टाइप की वर्कबुक होती है, एक ऑटोकैड के लिए और एक 3D सॉफ्टवेयर के लिए। सो ये 3D सॉफ्टवेयर की वर्कबुक है, इसमें आपके जितने सॉफ्टवेयर लाइक NX, सॉलिडवर्क्स या कैटिया या प्रो-ई सब कवर हो जाते हैं। सो आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सॉलिडवर्क्स पे है और हम कंप्लीट वर्कबुक को सॉल्व करेंगे सॉलिडवर्क्स पे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पार्ट मॉडलिंग के लिए है। ये हमारी वर्कबुक है RBM CAD मास्टर एक्सरसाइज वर्कबुक फॉर मैकेनिकल 3D सॉफ्टवेयर। सॉलिडवर्क्स, NX CAD, कैटिया, प्रो-ई जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं सभी के लिए है वर्कबुक। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखता है अपना एड्रेस कि हमारा सेंटर कहाँ पे है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन डिज़ाइन किसने किया है और अप्रूव किसने किया है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारे सीनियर फैकल्टी ने किया है और अप्रूव हमारे MD ने किया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट वन दिस वन, तो इससे आपका कुछ हद तक पार्ट मॉडलिंग का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने पूरा सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो आपको करना क्या है, सिंपली पार्ट पे क्लिक करना है और पार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सॉलिडवर्क्स स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो अप्रोच रहेगा इस फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने का वो रहेगा टॉप से। तो मैं पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा, देन स्केच, एक रेक्टेंगल लूँगा, स्मार्ट डायमेंशनिंग एंड डायमेंशनिंग करूँगा इसकी। इसका टोटल लेंथ है 100 mm, देन 100 एंटर। इसका ब्रेथ जो है वो 62 है, देन 62 एंटर। देन स्केच से बाहर निकलिए, एक्सट्रूड करेंगे सम हाइट तक। तो इसमें हाइट जो हमें गिवन है वो है 20 20। ओके, देन इस फेस पे हम स्केच करेंगे, दिस फेस स्केच, Control 8 फॉर नॉर्मल, देन क्रिएट अ रेक्टेंगल ओवर हियर, स्मार्ट डायमेंशनिंग 6 mm, and this side also 6. Exit sketch, extrude cut, select through all, पूरे आर पार के लिए, then okay। सो देख सकते हैं मैंने एक नीचे स्लॉट काट लिया है। देन इसके टॉप फेस पे स्केच, Control 8, देन मेक अ रेक्टेंगल, स्मार्ट डायमेंशनिंग, गिव अ डायमेंशन 37 mm, 37 एंटर, एक्सट्रूड अप टू लिमिट, लिमिट व्हाट 24 mm, 24, select a top face sketch, Control 8, first we make a center line and make it a construction geometry, make this line smart dimension, this side 12, this side 37 divided by 2, so mirror entity, this one mirror about this one, okay। तो इस एक्सट्रूड कट करने के लिए या एक्सट्रूड करने के लिए हमारी ज्योमेट्री का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज्योमेट्री को फटाफट क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेडेड कॉन्टूर। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको डाउट है कि आपका जो ज्योमेट्री क्लोज हुआ है कि नहीं, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से शेडेड को ऑन कर लेंगे। शेडिंग हमें दिख रहा है तो मतलब बाउंड्री क्लोज है। सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो मैंने बंद कर लिया। सिंपली फीचर एक्सट्रूड कट अप टू 12 mm, okay. Then this face select, sketch, Control 8, make a slot, straight slot, first, second, and drag it. Smart dimensioning, give dimension 31 and total distance 20 mm, and specify radius 8 mm, and from this point to this point 21.5. Okay, then exit sketch, extrude cut, select through all, okay. Then sketch this plane, Control 8, circle, smart dimension, (10 mm). इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, देन स्मार्ट डायमेंशन करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट के डायमेंशन 20 mm. देन सेलेक्ट दिस पॉइंट, कंट्रोल, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड मेक अ रिलेशन हॉरिजॉन्टल, ओके. स्केच से बाहर, एक्सट्रूड कट, थ्रू ऑल, ओके. देन सेलेक्ट दिस फेस, स्केच, Control 8, make a 2 circle over there, control, press Control key and select both object, make equal, smart dimensioning and dimension, (6 mm) diameter. Then specify position, so first press Control key and select bow center, make a vertical, smart dimension, specify a diameter, distance 12 mm, and distance between bow center, smart dimension, bow center 44 mm, 44, enter. So make a line, Control key, press center point and this center point, make center point to center point, connect a one line, make a horizontal, that's it. To fix it, then exit sketch, extrude cut up to 20 mm. Okay, so that's all. So for apply color, right click, appearance, select body, select color, okay.